हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमें म्यूचुअल फंड में कब पैसे को अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, और एक्चुअली में चार चीज़ें ऐसी हैं जब भी अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए उन बातों पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ग्रो एप्लीकेशन में आपको आरामी से समझा सकूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें हैं वो वहीं पर ही देखने को मिल जाती हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर सकते हैं। अगर आप बैंक से जाकर कराना चाहते हैं तो बैंक से भी जाकर करा सकते हैं, पर बैंक वाले क्या हैं वो आपको डायरेक्ट की जगह रेगुलर ही प्लान दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि रेगुलर प्लान में बैंक वालों का यहाँ पर प्रॉफिट होता है, क्योंकि कहने का मतलब है अगर आप रेगुलर प्लान के थ्रू जा रहे हैं तो वहाँ पर एक एजेंट को बाय कर रहे हैं और उस एजेंट को वहाँ पर कमीशन देनी पड़ती है। अब वो कमीशन हम या फिर आप नहीं देंगे, वहाँ पर वो देगा जिस म्यूचुअल फंड में उन्होंने पैसे को निवेश किया है, ठीक है, रेगुलर के थ्रू। तो वहाँ पर एक एजेंट बाय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मुझे मिल जाता है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन, ये है म्यूचुअल फंड का। अब यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, पर मैं यहाँ पर एक सर्च करता हूँ, जैसे कि SBI है, कोटका है। तो मैंने यहाँ पर जो इस म्यूचुअल फंड में मैंने यहाँ पर पैसा अपना निवेश किया है, सबसे पहले तो वही म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि इस समय आप देख सकते हैं जो इसकी NAV है वो यहाँ पर कितनी डाउन हुई है, ठीक है, देख सकते हैं 427 है, पर ये लौट के यहाँ पर कितने से आई है सबसे पहले ये देखिएगा, यानी कि 439 से ये लौट के आई, यानी कि डाउन हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं 427 है, तो समझ सकते हैं यहाँ पर करीब 12% जो इसकी NAV है वो यहाँ पर डाउन हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिर कब कब यहाँ पर कितनी डाउन हुई है और किस तरीके से यहाँ पर ग्राफ ऊपर की तरफ उठा है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है अगर इस समय इसमें कोई पैसे को यहाँ पर निवेश कर देता है तो यहाँ पर जैसी जो NAV हाई होगी तो उसके जो अधिक प्रॉफिट है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करना है तो उसकी सारी पूरी जानकारी ले लें और उसके बाद में आप उस म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करें, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जब भी अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करना है तो सबसे पहले ये देखें कि वो डायरेक्ट है या फिर यानी कि डायरेक्ट है या फिर रेगुलर है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट में आपको ये कहने का मतलब है जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसे को निवेश कर रहे हैं वो डायरेक्ट ही आपका पैसा उसमें जाएगा, ठीक है, कोई दूसरा यहाँ पर एजेंट बाय नहीं होगा। कहने का मतलब है हमें पता है भाई यहाँ ये म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड में हम अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं, ठीक है, और हम किसी भी वहाँ पर व्यक्ति को नहीं, यानी कि उसके हाथ में हम पैसे को नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और इसी कंपनी से हम डायरेक्ट हम यूनिट को बाय कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है आपको जो एक्सपेंसिस जो रेट है वो आपको कम लगता है, कहने का मतलब है सिक्योरिटी चार्जेस, ठीक है। और ऐसे में एक एजेंट को बाय करते हैं आप, तो एजेंट का काम तो हालांकि बहुत कुछ होता है कि सारे यानी कि म्यूचुअल फंड के बारे में बताना, ठीक है, पर वो कुछ बातें हैं कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। ऐसे ही बीमा एजेंट की बात कर लेते हैं, बीमा एजेंट सिर्फ आपको उसकी अच्छाई के ही बारे में बताएगा, कोई गलत चीज़ होगी या फिर कोई भी गलत बात होगी तो वो वहाँ पर दबा जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। और उसके बाद में ये तो होगी दो बातें, ठीक है। तीसरी बात ये है कि अगर आप उसमें ये देखें कि उसकी रेटिंग क्या है और फंड साइज क्या है, और यहाँ पर SIP वगैरह तो आप जितने से करना चाहें कर ही सकते हैं, ठीक है, उसकी NAV आपको यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। ये आपकी बातें होगी तीन, तीन बातें होने के बाद आपको ये देखना है यहाँ पर कि आखिर वो रिटर्न कितना दे रहा है। जैसे कि मैंने इसमें पैसे को निवेश किया है, अगर मैं एक साल इसमें 1,00,000 रुपए इसमें निवेश कर देता तो 41.47 है। तो कहने का मतलब है अगर मैंने इसमें आज की ही डेट में 2023 में 1,00,000 रुपए इसमें निवेश किया हुआ होता और मैं यहाँ पर, तो मेरा 1,00,000 निवेश हो जाता और 41,470 रुपये का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होता। कहने का मतलब है आज की डेट में ही मैंने 1,00,000 रुपये 2023 में निवेश किए हुए होते तो 1,41,470 रुपये आज उन 1,00,000 रुपये की वैल्यू होती, ठीक है। तो यहाँ पर यह है, ये आपको तीन चीज़ें देखना चाहिए। उसके बाद में आ जाती है चौथी बात, चौथी बात क्या आती है, जैसे कि यहाँ पर ये आ जाता है एक्सपेंसिव रेट, यानी कि एक्सपेंसिव रेट क्या है, देख सकते हैं जो रेगुलर है, ठीक है, उसमें आपको अधिक देखने को मिलेगा, पर ये डायरेक्ट है तो आपको 0.5 ही देखने को मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं,
म्यूचुअल फंड SBI कॉन्ट्रा फंड। कहने का मतलब है ये रेगुलर और डायरेक्ट में एक्चुअली में अंतर क्या होता है। रेगुलर में और डायरेक्ट में जो पैसा है वो आपका एक ही जगह जाएगा और एक ही तरीके से काम करेगा, और इसी के साथ में बस ये होता है कि रेगुलर में आपका एक एजेंट बाय हो जाता है और उसके पास हर साल के साल आपकी जो कमीशन है वो जाती रहती है। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ पर अगर 10-20 लाख रुपए उसमें पैसे को निवेश भी किया, 1 करोड़ रुपए अगर आपको कम दिए जाएँ, ठीक है, कहने का मतलब है आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है, पर एक की यहाँ पर जो सैलरी है वो अधिक है और एक की यहाँ पर कम है, तो आपको थोड़ी सी भी जलन जरूर होगी। ठीक है, पर ये रेगुलर है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं रेगुलर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंसेस जो रेट है देख सकते हैं 1.51 है। ठीक है, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट में कितना देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट में आपको देखने को मिल रहा है 0.58। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी की अगर आप रेगुलर के थ्रू जाते हैं तो आपकी जो एक्सपेंसेस जो रेट है वो आपका जो एजेंट है उसे यहाँ पर मिलेगा, और इसी वजह से यहाँ पर आपको जो पैसा है वो लास्ट में जाके कम मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप तो ये तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये तो थी कि 4 बातें, और उसके बाद में आपको ये भी देखना चाहिए कि आखिर जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो एक्चुअली में कौन है, और यानी कि वो कौन कौन सी डिग्री कौन कौन सी पढ़ाई किए हुआ है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, पर ये चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसी के साथ में आपको यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि आखिर जो फंड हाउस कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो क्या है, यानी कि रियल है या नहीं है। तो आप यहाँ पर इनसे बात भी कर सकते हैं, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ से आप नंबर निकाल कर बात भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कब लॉन्च हुआ है और क्या क्या यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर भी आप सिंपली जा सकते हैं। ठीक है, फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखकर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में चलिए मैं अपना यहाँ पर जो मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रखा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। काफ़ी लोग कहते हों कि नहीं आपने खाली पैसा इन्वेस्ट भी नहीं किया है, दूसरे को खाली ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, इसी के साथ में मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं जो कि रेगुलर के थ्रू किया था, जब मुझे पहले काफ़ी समय पहले मैंने बैंक से कराया था और उन्होंने कर दिया था। ठीक है, पर उसके बाद में मैंने यहाँ पर खुद ही अपना हाथ से ही किया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट 7500 रुपये मैंने यहाँ पर किए थे और अभी मुझे यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि कहने का मतलब है जब NAV यहाँ पर डाउन हुई तभी मैंने इसमें पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही अब NAV ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।